क्या आप स्पेन के सबसे पुराने शहरों में से एक की खोज में एक दिन बिताना चाहेंगे? फिर आपको दक्षिणी स्पेन के एक शहर रोंडा के बारे में जानना चाहिए, जो मलागा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अंडालुसिया के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक की यात्रा न करें, जो आपको अपनी घुमावदार गलियों, पहचानने योग्य पुल, एक घाटी के किनारे पर बने घरों और बहुत कुछ के साथ आकर्षित करेगा। मेलेगा के स्पेनिश प्रांत में अल्पाइन शहर रोंडा शामिल है, जो प्रभावशाली रूप से एक संकीर्ण घाटी के ऊपर स्थित है। शहर का पुराना शहर, जो मूरिश शासन का है, और नया शहर, जो 15वीं शताब्दी में इस घाटी एल ताजो द्वारा अलग किया गया था। पुइंटे नवो, एक पत्थर का पुल जो कंठ तक फैला है, पर दृश्यों के साथ एक दृश्य देखा जा सकता है। न्यू टाउन में सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक प्लाजा डी टोरोस है, जो 18वीं शताब्दी से एक मंजिला बुलरिंग है। रोंडा एक उग्र शहर है जिसमें डाकू, गुरिल्ला योद्धाओं और विद्रोहियों के साथ एक नाटकीय इतिहास बिखरा हुआ है। यह रियो गुआडालेन द्वारा उकेरे गए पहाड़ों में एक बड़ी दरार के ऊपर बनाया गया है। यह विशेष रूप से हड़ताली है जब आप इसके अपेक्षाकृत मामूली आकार पर विचार करते हैं। एताजो कंठ के ऊपर इसका सुरम्य स्थान और अंडालुका के सबसे बड़े सफेद गांवों के रूप में इसकी रेंट ने इसे पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया है। शहर की लोकप्रियता अमेरिकी यूरोफाइल्स अनेस्ट हेमिंग्वे बुलफाइटिंग के प्रशंसक और ऑर्सन वेल्स के करीबी संबंधों से बढ़ी, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में यहां आधुनिक बुलफाइटिंग को प्रभावी ढंग से स्थापित किया। रोंडा का अधिकांश पुराना शहर, जो कंठ के दक्षिण में स्थित है, इस्लामी युग से है, जब यह मस्जिदों और महलों के साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था। ग्रिड के आकार का नया शहर, जो आगे उत्तर में स्थित है और सरासर चट्टानों के ऊपर स्थित है, में पार्क और सैरगाह हैं, जो पड़ोसी पहाड़ों पर नियमित रूप से घूरते हैं। 100 मीटर गहरे एल ताजो कंठ के दोनों ओर अपनी स्थिति के साथ रोंडा स्पेन की सबसे उल्लेखनीय भौगोलिक सेटिंग्स में से एक का आनंद लेता है। इस लुभावनी भौगोलिक दरार में कुछ शानदार चलना है। पुराने शहर से एक नाटकीय निशान आपको सीधे विशाल न्यू ब्रिज के पैर तक ले जाता है, जो घाटी में फैला है। अठारहवीं शताब्दी में रोंडा ब्रिज का निर्माण हुआ, जिसे रोंडा टाउन में पुइंटे नवो ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह मालोगा के रोंडा के अंडालुसी प्रांत में गुआडालेविन नदी के ऊपर स्थित है। पुइंटे नवो, जो स्पेनिश में न्यू ब्रिज के रूप में अनुवाद करता है, केवल प्रतीकात्मक रूप से नया है। गुआडालेविन नदी 120 मीटर गहरी घाटी से होकर बहती है, जो दक्षिणी स्पेनिश शहर रोंडा को अलग करती है, और पुइंटे नवो इसे पार करने वाले तीन पुलों में सबसे नया और सबसे बड़ा है। हुआन एंटोनियो डेज माचुका ने इमारत के मुख्य कार्य ऑब्जेक्ट मून कोर के रूप में कार्य किया, और जोस मार्टिन डी एल्डेहुएला ने भवन के वास्तुकार के रूप में कार्य किया। यह परियोजना आर्किटेक्ट जोस गाजिया और हुआन कैमाचो को दी गई थी, जिन्होंने 1735 में एक एकल आर्च डिजाइन विकसित करना शुरू किया था। उन्होंने पुल को समय पर पूरा किया, लेकिन पेशेवर तरीके से नहीं। 1741 में पूरा पुल गिरने पर 50 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकांश रोंडा स्थानीय थे। पुइंटे नवो न्यू ब्रिज रोंडा का सबसे बड़ा ड्रो और सभी पोस्ट कार्ड पर शहर का प्रतीक अंत में दिखाई देगा, यदि आप प्लाजा एस्पा की ओर उस दिशा में चलते रहते हैं। एल्डेहुएला के दृष्टिकोण पर एक फोटो स्टॉप के लिए आपको निर्विवाद रूप से पुल को पार करना चाहिए।
पुएंतो नुएवो जो घाटी और एल ताजो घाटी और गुआडालेविन नदी को पार करके पुराने और नए शहर को जोड़ता था, निर्माण के 42 वर्षों के बाद 1793 में समाप्त हुआ था। करीब 100 मीटर ऊंचा यह शानदार ब्रिज कैले टेनोरियो का अनुसरण करें जब तक कि आप पुल से सर्वश्रेष्ठ विस्टा और आदर्श फोटो अवसर के लिए प्लाजा डी मारिया ऑक्सिलियाडोरा तक नहीं पहुंच जाते। आप पहले सहूलियत बिंदु तक पहुंचने के लिए एक मार्ग से उतर सकते हैं। अपने कदम और अपने कैमरे को देखें क्योंकि दृष्टिकोण सुरक्षित रूप से बंधन नहीं है। घाटी के तल पर हर साल सैकड़ों कैमरे खोजे जाते हैं। बुलफाइटिंग का मूल और अशांत अतीत वाला एक ऐतिहासिक शहर रोंडा है। रोंडा में एक बुलरिंग 66 मीटर व्यास प्लाजा डी टोरोस डी रोंडा दो पत्थर के छल्ले से बने मार्ग से घिरा हुआ है। बैठने के दो स्तरों में से प्रत्येक में 5 उठी हुई पंक्तियां और 136 स्तंभ हैं, जो एक साथ 68 मेहराब बनाते हैं। रॉयल बॉक्स की छत ढलान वाली है और अरबी टाइलों से बनी है। अरब स्नानागार थोड़ी दूरी पर हैं। तथ्य यह है कि वे 13वीं शताब्दी के हैं और कहा जाता है कि पूरे इबेरियन प्रायद्वीप पर सबसे अच्छा संरक्षित है। हम आपको दो अतिरिक्त सार्थक पड़ावों की सलाह देते हैं जब आप अपने विस्तारों को पूरा कर चुके होते हैं। महल के शानदार बगीचों और एक पुरानी अरब खदान की यात्रा करें, जिसमें चट्टान को उकेरी गई सीढ़ियां हैं जो 200 सीढ़ियां से अधिक नदी में उतरती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 200 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।